नाम रखा है इसका आपने? ये सलमान खान है। सलमान खान है, अच्छा। ये एक 60,000 का, एक 65,000। ये शाहरुख खान है। ये बकरा ईद 10 तारीख को है। अगर हम बात करें ईद उल अजहा उसको कहा जाता है, ईद उल अजहा के दिन अगर हम बात करें तो गोरखपुर में बकरों का बाजार सज गया। आप देख सकते हैं बहुत ही जो है शानदार बकरे आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं। भाई साहब से हम जानेंगे, भाई साहब बकरों का बाजार, क्योंकि अब इस समय आप बकरीद चल रही है, 10 तारीख को बकरीद आने वाली है, ये जो बकरे हैं ये क्या रेट के हैं? एक 60,000 का, एक 65,000। एक 60,000, एक 65,000 का। 60,000, कौन सा 60,000 का है? ये वाला। और ये 65,000 और 60,000 के बकरे हैं, क्या खिलाते हैं? ये चना चोकर यही सब खाते हैं। खाते हैं। इनकी कद काठी देख के तो हिरन की तरह लगता है जी। कहाँ से आए हैं ये? ये आए खजनी के पास से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालनपुर। मालनपुर वहाँ से आप यहाँ आए हैं? हाँ जी। और भी हैं और जानेंगे। देखिए कुछ बकरे ऐसे हैं जैसे लग रहे हैं हिरन की तरह, इनके चितकबरे बकरे जो है हिरन की तरह लग रहे हैं। ये देखिए हिरन की तरह ये बकरे। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? पादरी बाजार से। ये बकरे कितने के हैं आप? ये मेरा 35,000 का है। 35,000 के बकरा, क्या खिलाते हैं इसको? यही घास भूसा, और क्या खिलाते? घास भूसा। और भी हम आगे जाएंगे क्योंकि और लोग भी, खरीदार से भी जानेंगे। आइए जानते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। ये बकरों का बाजार सज गया है क्योंकि बकरीद 10 तारीख को है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कपड़े से लेके नए वस्त्र तक लोग खरीदते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बकरों की तो इसमें बकरा ईद में बकरों की महत्व बहुत सबसे ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? खलीलाबाद से। ये बकरे कितने तक के बकरे हैं आपके पास? 13,000 के हैं, 15,000 के हैं। 13,000 15,000। भाई साहब ये बकरा थोड़ा सा हमें कुछ अलग लग रहा है, क्या ये इसकी क्या खासियत है? ये पंजाबी है सब। पंजाबी है? हाँ। पंजाब से हैं? नहीं, पंजाब से नहीं, देवरिया जिला से हैं। अच्छा। रामपुर कारखाना। तो आप रामपुर कारखाना से यहाँ पे आए हैं, क्या रेट है आपके बकरे का? ये 90,000 का है। 90,000 का, क्या खिलाते हैं इसको? इसे चना गुड़ खाता है। चना और गुड़ खाता है? हाँ। और कुछ नहीं खाता? नहीं, और कुछ नहीं खाता है, चना गुड़ और गेहूं खाता है और पत्ता वत्ता खाता है। लेकिन ये बहुत हैवी दिख रहा है, क्या नाम रखा है इसका आपने? ये सलमान खान है। सलमान खान है, अच्छा। ये सलमान खान है और इधर आमिर खान। आमिर हाँ, ये शाहरुख खान है। ये तो बड़े सुस्त हो गए हैं लग रहा है। सुस्त नहीं है, थोड़ा सा नाराज है धूप की वजह। अच्छा अच्छा, गर्मी की वजह से। क्या खिलाते हैं आप इनको? वो भी चना गुड़ खाते हैं। चना गुड़ खाते हैं, पत्ते होते हैं। ये भी आप ही वहीं से, रामपुर कारखाने से। भाई साहब आपके बकरे का क्या कीमत है? बोलो भाई साहब, बोलो। 40,000। 40,000 से आए हैं आप? बिछिया से, यानी गोरखपुर से। हाँ, गोरखपुर। हर साल यहाँ पे बाजार सस्ता है? हाँ, हर साल आते हैं। क्या नाम है आपका? रमजान। आपके बकरे का क्या नाम है? अरे बाबू का एक बुलाते हैं। बाबू हैं, सलमान हैं और शाहरुख हैं। अभी और भी हैं पूरी बाजार में, सलमान खान के मुकाबला कोई नहीं। सलमान खान ये 90,000 का बकरा आप है, आपने रेट बनाया लगाया है 90,000। खरीदार आए थे क्या अभी? हाँ, खरीदार तो बहुत आ रहे हैं, तो 4-5 बिक गए हैं सब। अच्छा। चार पाँच बिके हैं। क्योंकि ये जो बकरा है थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आप मैं दर्शकों को, मैं अपने साथी से कहूँगा, जरा इसके बकरे को थोड़ा सा ध्यान से दिखाएं, ये थोड़ा किस तरह से ये बकरा पूरी तरह से, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा ये हाँफ रहा है, लेकिन बाकी और सारी व्यवस्थाएँ इसके यहाँ पर है। अब हम इसमें बकरे के बाज़ार में हैं, घंटा घर के बकरे के बाज़ार में हम पहुँचे थे। हमने लोगों से जाना, जो बेचने वाले हैं उनसे जाना, लेकिन अभी खरीदार नहीं कोई मिल पाया हमें, कि कोई खरीदने वाला हो जिससे हम बात कर सकें। फिलहाल अब मैं उनकी तलाश कर रहा हूं जो खरीदने वाला हो, लेकिन अभी यहां नज़र नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं कोई अगर खरीदने वाला होगा तो उससे बात करेंगे। भैया आप बकरा खरीदने आए थे? हेलो। नहीं, यहां पे बकरे का बाज़ार हर साल लगता है और इस साल हम पहुंचे हैं क्योंकि ये बड़ी मस्जिद है। अगर ये हम कहेंगे यहाँ शाहमारूफ का ये सबसे बड़ा मार्केट लगता है, यहाँ पे बकरों के बाज़ार सजता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, हम अपने भाई से कहूँगा दिखाएँ कितनी भीड़ है यहाँ पर। तरह तरह के बकरे हैं, 90,000 तक के बकरे यहाँ पर बिक रहे हैं और खरीदार जो है जी। आप बकरा भैया, आप
नहीं बेचने आए हुए हैं, कल आए हुए हैं तीन। क्या रेट है बकरे आपके भैया? ये 40,000 रुपये जोड़े हैं, ये 30,000 का एक है। 30,000 का एक है, क्या खिलाते हैं इनको? ये खिलाते हैं नहीं, पत्ता खाते हैं सब, जौ खाते हैं, चने। हाँ बकरे का नाम कुछ रखा होगा? ये अजमेरी बच्ची हैं सब। नाम कुछ रखा होगा? नहीं, सब मंडी से हम लोग आते हैं ना। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं पर अंजुमन के पीछे, कुरैसिया स्कूल के पास। अच्छा, कुरैसिया स्कूल। तो देख रहे किस तरह से भीड़ है, अब बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम ज़्यादा खबर यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से हम बात कर सकें। आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ है, हम ज़्यादा यहाँ पर खुद कंजेस्टेड है, ये जगह कंजेस्टेड है, इस वजह से हम ज़्यादा यहाँ पर हम खबर नहीं कर पाए, लेकिन फिर फिलहाल जितनी भी खबर हुई, क्योंकि बकरीद 10 तारीख को है, 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी, इसको लेकर तैयारियां हैं, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और बकरों की खरीदारी सबसे ज़्यादा गोरखपुर में खरीदी जा रही है। आप देख सकते थे 60,000 से लेकर अगर हम बात करें तो 90,000 तक के बकरे इस जो है मंडी में बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।